हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन के बारे में। एमए हिस्ट्री इग्नू की हमारी एक सीरीज चल रही है, उसमें से औपनिवेशिक शासन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब आप मान के चलिए कि 100 नंबर के पेपर में 60 नंबर एक बड़ा हिस्सा ये कवर करेगा। इवन आप सभी चारों पेपर के मान के चलो, तो आप मानो कि 100 से 125 नंबर, 150 नंबर तक आपका यही टॉपिक कवर करेगा। तो इसके अंदर इस लेक्चर में हम सिर्फ इसका ओवरव्यू लेंगे, ताकि अगर आप ये लेक्चर अगर देख रहे हो 5 मिनट 7 मिनट का, तो भी मान के चलिए कि आप उस क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और उसके बाद उसमें कम से कम 70-80% स्कोर आराम से कर सकते हो, अगर सिर्फ 5 और 7 मिनट की वीडियो देखोगे तो। तो औपनिवेशिक शासन क्या होता है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं और क्या क्या इससे आयाम है, विभिन्न आयामों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो औपनिवेशिक शासन क्या होता है कि औपनिवेशिक शासन में एक जो शक्तिशाली देश होता है और एक होता है कमजोर देश। शक्तिशाली देश कमजोर देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भौतिक और विभिन्न आयामों से कमजोर देश का शोषण करता है, और अपने मात्र देश के लिए दूसरे देश के संसाधनों का शोषण करना ही औपनिवेशिक शासन कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें आप पढ़ेंगे कि शक्तिशाली देश कौन है। जैसे ठीक है, अब हमें जैसे एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। अंग्रेज आए हमारे इंडिया में, आए थे व्यापार करने, व्यापार करते करते धीरे धीरे जो व्यापारिक शक्ति से वो राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गई। तो ये लाइन लिखिएगा आप कि हमारे यहाँ पे जब भारत में अंग्रेजों का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ, और व्यापारिक वो धीरे धीरे उन्होंने व्यापार को व्यापार करने आए व्यापारिक शक्ति से वे राजनीतिक शक्ति में तब्दील हो गए। तो इसमें धन की निकासी, मुक्त व्यापार और व्यापार का वाणिज्यकरण पड़ेंगे। धन की निकासी से आप क्या समझते हैं कि इंडिया से जो धन है वो अंग्रेजों ने अपने देश में भेजा था, मतलब एक तरीके से कि जो मजबूत देश होता है, जो स्ट्रॉन्ग कंट्री होता है, वो अपने देश में धन की निकासी करता है कमजोर देश से। मतलब कि आपको कुछ नहीं समझना, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने के फोकस करने की थोड़ा ट्राई कीजिए। कमजोर देश का लूटना है, बस लूटना है, उसके संसाधनों का दोहन करना है, उनका रिसोर्सेज है उनको अच्छी तरह से मतलब अपने देश के हितों में लगाना है। तो धन और जो वहाँ का देश का धन है अपने देश में भेजना है। ठीक है, व्यापार का वाणिज्यकरण क्या आपको पता, नील की खेती। ठीक है, नील की खेती से किसी का क्या फ़ायदा था बताओ आप, भारतीय के किसानों के कुछ फ़ायदा नहीं था उसके अंदर। सीधा सी बात थी, कमर्शलाइजेशन क्रॉप थी जिससे अंग्रेजों का फ़ायदा था, तो उन्होंने कराया। तो एक आधी बुक आपका नाम थोड़ा पता होना चाहिए, रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हैं कि भारत का आर्थिक इतिहास आर सी दत्ता, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, आर सी दत्त ने लिखी है। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादाभाई नौरोजी ने लिखी है। इसे पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्यों कहा, क्योंकि दादाभाई नौरोजी एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्हें पता था कि ब्रिटिश का रूल कैसा होता है और वो भारत में कैसे संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दादाभाई नौरोजी ने ही बताया था कि अंग्रेजों ने हमारे संसाधनों का इस हद तक, इस कदर तक दोहन कर लिया है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपये रह गई है। और आप ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा आंकड़ा दिया हमारे पर कैपिटल इनकम के बारे में, भारत के बारे में, तो वो थे दादाभाई नौरोजी। इनके बारे में आप बहुत से फैक्ट पढ़ोगे, इन्होंने 3 सेशंस की कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। ठीक है, और रेलवे, रेलवे का बताएं। अब कुछ कारक जब से हम पढ़ेंगे रेलवे के बारे में पढ़ेंगे, तो कहीं कहीं ये जैसे अब इतिहासकार पढ़ोगे, एक साम्राज्यवादी इतिहासकार होते हैं, एक राष्ट्रवादी इतिहासकार होते हैं। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या करते हैं कि वो सिर्फ ब्रिटिश के शासन के जो इन्होंने किया उनके पॉजिटिव फैक्टर्स बताएंगे, और राष्ट्रवादी इतिहासकार बताएंगे कि अंग्रेजों ने जो काम किए वो केवल अपने देश के हित के लिए किए, उन्होंने हमारे देश का सिर्फ शोषण किया है। तो रेलवे है एक, आपको बताएं रेलवे का विकास जरूर किया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया था ताकि वो और ज़्यादा लूट मचा सके भारत में। लेकिन एक सत्य यह भी है, जितना रेलवे का विकास अंग्रेजों ने किया उतना आज तक हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 70 सालों में भी नहीं किया है। ठीक है, इससे रेलवे से क्या होता था कि एक तो जो क्रॉप्स हैं, ठीक है, उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसानी से और बहुत तेज गति से होने लगा। दूसरी बात, अगर कहीं पर आर्म्स फोर्सेस भेजनी थी तो रेलवे की सहायता से क्या नाम भेज सकते थे। स्टार्टिंग में रेलवे जो इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनी थी उनको नुकसान हो तो भी इन्होंने रेलवे का क्या क्या विकास किया, 5% ब्याज शुदा गारंटी शुदा देकर, 5% कहा था कि 5% तक नुकसान, मतलब 5% ब्याज दे रहे हैं यार आपको,
आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करोगे? चाहे उनको नुकसान हो रहा हो, गवर्नमेंट को उनको कोई मतलब नहीं था, लेकिन उनको रेलवे का विकास करना था, क्योंकि उन्हें पता था कि रेलवे एक विकास का पथ प्रदर्शक है। नील की खेती में बताया, नील की खेती करो, कमर्शलाइजेशन करो, करों की दर बढ़ा दी थी, किसानों की लूट मार मची पड़ी थी, और रंग भेद नस्लता श्रेष्ठता का नियम उन्होंने दे रखा था, जिसके अकॉर्डिंग कि गोरे श्रेष्ठ है, हम जो कहते हैं कि व्हाइट स्पिरिट बर्डन थ्योरी, कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, गोरे लोग श्रेष्ठ हैं, हम इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि जो काले लोग हैं, जो नस्ल से हमारे से नीचे हैं, उनका हम उद्धार कर सके। तो ये मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आया तो आप आराम से, अब मेरे को लगता है लिख सकते हो थोड़ा बहुत, अगर आपको बेसिक नॉलेज हो, अगर ना भी हो तो भी आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको और लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो आप कमेंट डाउन करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, मैं बाकी लेक्चर्स डालता रहूँगा। और आपको अगर PDF चाहिए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कि जिसको PDF चाहिए मैं उसको PDF सेंड करूँगा, और हमारा आपको ये बता दें, आप अपना नंबर कमेंट डाउन कर दीजिएगा और मैं आपको मैसेज कर दूंगा आपकी PDF लेक्चर्स की। और लेक्चर्स आपको जो जो कोई भी डाउट हो तो आप बताइएगा, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। थैंक यू सो मच।